कैसे हो भाइयों, आज बात करेंगे टॉप आर्टिस्ट व्हेन दे लूज हिज रिस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारे आर्टिस्ट बहुत ही बढ़िया हैं। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी आर्टिस्ट, एंड सेकंडली इनमें से मैं किसी भी आर्टिस्ट को कोई हेट नहीं करता हूँ। ये सिचुएशन मेरे ओपिनियन या मन की कहानियां नहीं, दीज थिंग्स हैपन इन लास्ट फ्यू ईयर्स। बाकी तुम समझ जाओगे वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वॉच टिल एंड। बेला के पिछले कुछ सालों में जहाँ फैंस बढ़े हैं वहाँ हेटर्स भी बढ़े हैं। फैंस बढ़े हैं उनके म्यूजिक की वजह से, इस बात में कोई दोराय नहीं है, बट हेटर्स बढ़े हैं उनकी पर्सनैलिटी के कारण। बेला का म्यूजिक डे बाय डे नेक्स्ट लेवल होता जा रहा है और रिसेंट के कुछ ट्रैक्स लाइक स्वीट पॉइजन, आती ना नींद, मैं हार गया नेक्स्ट लेवल है, और ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है। बट बेला को कोई भी म्यूजिक के कारण हेट नहीं करता और न कर सकता। लोग बेला को हेट करते हैं बिकॉज बेला के कर्मा, इक्का, हसल के एक्स कंटेस्टेंट्स, एमसी स्टैन और ऑलमोस्ट आधी इंडस्ट्री के साथ पंगे है। बेला की कई लाइफ है जिसमें भसड़ हुई है, बट मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग कितना गलत सोचते हो। I just wanna prove you wrong। Big Smile ने एक स्टोरी डाली थी कर्मा के लिए, तो वो वहां से कर्मा ने रिएक्ट किया नहीं कि आई डोंट नो। मैं अपना गाना बना रहा था और रात के 3 बजे मेरे को इक्का पाजी का कॉल आता है। इक्का पाजी मेरे से कॉल पे बात करते हैं, बोलते हैं कि बेला तू बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मैं बोलता हूँ थैंक यू पाजी, वगैरह वगैरह हमारी बात होती है। फिर इक्का पाजी यही बोलते हैं कि पर तू जिन लोगों के साथ रह रहा है ना वो बढ़िया नहीं है। मैंने कहा अच्छा, जैसे? कह रहे जैसे बिग स्माइल। मैंने कहा क्या हो गया पाजी? कह रहे बिग स्माइल ने ऐसी ऐसी कर्मा के लिए स्टोरी डाली है, ये वो, तू कुछ कर नहीं रहा। मैंने कहा पाजी दोस्त है मेरा, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, मैं उसको समझा ही सकता हूँ, तो मैं समझाता हूँ उसको, मैं हटवाता हूँ वो स्टोरी। बात यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इक्का पाजी आगे से बोलते हैं बेला तू कभी बड़ा नहीं बन पाएगा हमारी तरह। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पे अभी भी 1 घंटे की। कह रहे कि एमसी स्टैन को देख, उसने इतना पैसा कमा लिया, एमीवे को देख उसने क्या कर दिया, ये देख उसको देख, तू क्या कर रहा है, रॉबसी बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि स्टोरी बिग स्माइल ने डाली कर्मा के लिए, कर्मा रफ्तार का आर्टिस्ट, हु द फक इज इक्का टू कॉल मी एंड से कि बेला तू गलत है, बेला ने किसका क्या बिगाड़ दिया? हाँ, मेरे पास 1 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग है। तुम लोग बोलते हो कि मैं मेंटली रिटार्डेड हूं, तुम लोग बोलते हो मैं पागल हूं। अबे मैं वो अगर कॉल रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ना, DHH यूं हिल जाएगा टर्बुलेंस की तरह। बट बेला रिटार्डेड है, बेला व्यूज के लिए कर रहा है, बेला क्लाउड के लिए कर रहा है। बेला बहन चो 2 महीने से चुप है क्योंकि रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है। नहीं, बेला तो पागल है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई लाइफ में कुछ गलत तो नहीं कहा। आई नो ब्रो, बट हर काम मेरे या तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। यू नो कि इक्का कर्मा स्टैन की इंडिया में काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इसी कारण बेला को सम टाइम अननेसेसरी हेट का सामना करना पड़ता है। पर बेला म्यूजिक से उस हेट को लव में क्रिएट कर देंगे इन फ्यूचर, आई बिलीव। मूफड़ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड आर्टिस्ट में से एक है। मूफड़ जितने टैलेंटेड हैं उन्हें उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, डिजर्व मोर रिकॉग्नाइजेशंस। मूफड़ को हेट मिलने के पीछे कई रीजंस हैं, लाइक शुरू में एमईवे से बीफ, फिर अवतार से बीफ और लास्ट में कृष्णा से भी, और यही कुछ रीजन है। बट इनमें से मेन रीजन है जिसके कारण उस टाइम भी और आज भी मूफड़ ट्रोल होते हैं, मूफड़ लाइव विद रफ्तार। तुम गौरव समझ के मूफड़ को हल्के में लोगे? अबे तू क्या जवाब दे रहा है? ये कौन सा जवाब हुआ? ये कौन सा जवाब हुआ? गौरव और मूफड़ में मैं नहीं हुआ। मैंने जब मैं गौरव की तरह मिला हूं तो मैं मूफड़ को कभी बीच में नहीं लाया। अरे बाबू, मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि तूने पहले मना क्यों नहीं किया? तू मेरे को बोल रहा है गौरव मूफड़ को हल्के में लोगे? हल्के दोनों है भाई। बताओ, जब मैंने गाना दे दिया बिना कुछ बोले तो मैं इस चीज के लिए बोलूंगा कि यार? तो फिर अभी क्यों रो रहा है? तो अभी क्यों रो रहा है? तेरा पहला रीजन यही रद्द हो गया। अगर तू उसके लिए नहीं बोलना चाहता था तो तू अब क्यों रो क्यों रहा है? हर चीज की कंसर्न होती है, मेरे साथ काम किया, मेरे को खुशी नहीं। कंसर्न होती है तो कंसर्न तेरे को मेरे आगे जाहिर करनी चाहिए थी। तूने आज से पहले ये रीजन, जब से मैं मांग रहा हूँ, तूने आज से पहले ये बात क्यों नहीं बोली? ये तो अभी मेरे ख्याल से जो लोग जुड़े हैं, बात है अभी तो बहुत गलती है ना, एक बात थोड़ी है कि इसके अलावा ठीक है। इस इंस्टाग्राम लाइव से काफी बैकलैश मिला मूफड़ को, और ये बात हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि आज से 2 साल पहले जब कृष्णा से बीफ हो रही थी और मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट बिग नेम ऑफ देसी पॉप इज मूफड़। बट इस इंस्टा लाइव से गेम पलट गया। ऊपर से कृष्णा और अवतार फैंस ने मजाक मजाक में वीडियो ज्यादा वायरल कर दी और इतनी हेट नहीं मिलनी चाहिए थी जितनी मूफड़ को मिली, और आज तक मूफड़ उस हेट के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई ने उन चीजों से मूव ऑन कर लिया है, बट फिर भी इंस्टा लाइव से मूफड़ को काफी रिस्पेक्ट खोनी पड़ी। भाई के रिसेंट प्रोजेक्ट्स वापस मचाने लगे हैं। आई बिलीव कि मूफड़ भी खतरनाक कमबैक करेंगे अपने नेक्स्ट ट्रैक से।
बादशाह इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप रैपर हैं। उनके सॉन्ग्स एप्पल इवेंट्स और फीफा इवेंट्स में प्ले हो रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बादशाह को अभी तक रैपर भी नहीं मानते, बट दे डोंट नो। तुम मानो या ना मानो, आज भाई मचा रहे हैं बैक टू बैक। पर बादशाह के करियर में भी एक ऐसा पॉइंट आया था जब भाई ने काफी रिस्पेक्ट खो दी, और कुछ के मन में तो आज तक वो बात है। इस चीज को भाई ने कई बार क्लैरिफाई किया पर लोग मानने को तैयार नहीं है, जैसे ये लाइव। हमने मेहनत करी, हमने पैसे खर्च किए, वी स्पेंट मनी, वी प्रमोटेड आवर वीडियो, हमने इसकी ग्लोबल एड लगाई है। फेक व्यूज नहीं है, फेक व्यूज नहीं होते ब्रो, बॉट व्यूज खत्म हो गए हैं और जो होते हैं वो गिर जाते हैं। जब पागल सॉन्ग ड्रॉप हुआ तब मेक द बिगेस्ट रिकॉर्ड इन 24 आवर्स ऑफ मोस्ट व्यूड वीडियो इन इंडिया, तब भाई ने एड्स लगाए जो उस टाइम फैंस को गलत लगते थे। ब्रो एड्स आर लीगल और वो बॉट व्यूज नहीं होते, ये बात भाई ने क्लियर कर दी है। बाकी एंजॉय करो हसल और बादशाह के कोलैब्स का वेट करो। कुछ हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ कोलैब आने वाले हैं लाइक रफ्तार और हनी सिंह, जो बहुत ही जल्द तुम्हारे सामने होंगे। एमिवे भाई का करियर बढ़िया चल रहा था, थोड़े बहुत व्यूज में गिरावट आई बट इट्स ओके। एमिवे इंडिया के उन आर्टिस्ट में से एक है जिन्हें सेवरल टाइम में हेट का सामना करना पड़ा है। पहले रफ्तार वर्सेस एमिवे के टाइम, उसके बाद कृष्णा से बीफ के टाइम, फिर मचाएंगे फोर ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद एक सेंसलेस इंस्टा लाइव, और फिर कृष्णा के ट्विटर पर तारीफ और लाइव शो में परफॉर्म किया और साइन और साथ में लिरिक्स भी भूल गए। और इनमें से मेच्योरिटी थिंग्स 2022 में हुई है और 50-60% से ज्यादा एमिवे के हेटर बढ़ गए हैं। कुछ बातें सही है, वहाँ आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट हेट मिलती है, बट कई जगह खुद की गलतियों के कारण एमिवे को हेट का सामना करना पड़ रहा है। ये बात एमिवे के फैंस भी डिनाई नहीं कर सकते, और यही वो रीजन है जिसके कारण एमिवे को लेस व्यूज और हेट मिल रही है। बाकी आप लोग कमेंट कर देना कि क्या एक वीडियो एमिवे की केस स्टडी पर बनाऊं, क्या सच में एमिवे का डाउनफॉल आ गया, एंड व्हाई ही नॉट गेट व्यूज दैट मच, और क्या एमिवे कमबैक कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और किसी भी आर्टिस्ट को हेट नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। पीस आउट।